नमस्कार दोस्तों, हिम न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है अपने हिमाचली यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको मिलेगी हिमाचल और देश विदेश से जुड़ी सभी मुख्य खबरें। वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हिमाचल से जुड़ी सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और रितेश सिंह रचेंगे इतिहास, युद्ध बोध के डेक से करेंगी काम। भारतीय नौसेना ने पहली बार महिला अधिकारियों को जंगी जहाज पर तैनाती का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में दो महिलाओं को ऑब्जर्वर्स एयरबोर्न टेक्नीशियंस के रूप में चुना गया है। इससे फ्रंटलाइन जंगी जहाजों पर महिलाओं की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रितेश सिंह को यह सम्मान हासिल होगा। कीर्ति चक्र लुटाने राजभवन पहुंचे शहीद के नाराज परिजन। हिमाचल सरकार के वादे पूरे ना होने से नाराज शहीद के परिजन वीरता के लिए मिले कीर्ति चक्र को लौटाने के लिए सोमवार को राजभवन पहुंच गए। हाथों में कीर्ति चक्र और शहीद की तस्वीर लिए कांगड़ा के चांबी से पहुंचे शहीद की मां और परिजन राजभवन के गेट पर ही धरने पर बैठ गए। परिजनों से राज्यपाल तो नहीं मिले, लेकिन राजभवन से लौट रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनसे मुलाकात की। सीएम ने मामले की जानकारी ना होने की बात कही। इस पर परिजन ने कीर्ति चक्र लौटाने पर अड़ गए। हालांकि बाद में सीएम के आश्वस्त करने पर परिजन घर लौट गए। एक रात के लांग में रुक सकते हैं पीएम मोदी, अटल टनल के उद्घाटन के लिए आएंगे हिमाचल। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग का 3 अक्टूबर को लोकार्पण करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केलांग में भी एक रात रुक सकते हैं। पीएम की सुरक्षा का जायजा लेने एसपीजी की टीम मंगलवार को लाहौल पहुंच सकती है। पीएम दौरे की तैयारियों का जायजा लेना खुद सीएम जयराम ठाकुर बुधवार को हेलीकॉप्टर से लाहौल पहुंचेंगे। केलांग में सरकारी अधिकारियों से मिलने के बाद सड़क मार्ग से होते हुए टनल से मनाली जाएंगे। पूर्व मंत्री श्याम शर्मा का निधन, कोविड नियमों से हुआ अंतिम संस्कार। हिमाचल प्रदेश की पूर्व खाद्य आपूर्ति तथा विधि मंत्री श्याम शर्मा का सोमवार दोपहर को निधन हो गया। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के कारण डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां से उन्हें PGIR रेफर किया गया। पंचकूला के एक निजी अस्पताल में पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कोरोना रिपोर्ट में वह पॉजिटिव पाई गई, लिहाजा COVID-19 के नियमानुसार उनका नाहन के शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। TET बैच वाइज भर्ती के इंटरव्यू 5 से 8 के 307, नॉन मेडिकल के 147, मेडिकल के 104 पद। अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक कला नॉन मेडिकल और मेडिकल पदों के अनुबंध आधार पर भरने के लिए बैच वाइज साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक कार्यालय हमीरपुर में 5 से 7 अक्टूबर तक बैच वाइज साक्षात्कार के लिए बुलाया जा रहा है। TET आर्ट्स, TET नॉन मेडिकल और TET मेडिकल के 556 पद बैच वाइज आधार पर भरे जाएंगे। हिमाचल पुलिस ने एक माह में ढूंढ निकाले 414 लापता लोग। हिमाचल पुलिस ने 31 अगस्त तक बीच विशेष अभियान चलाकर प्रदेश भर में 414 लापता व्यक्तियों को ढूंढ निकाला है। इस अभियान के लिए 39 गैर सरकारी संगठनों, 38 हेड कांस्टेबल, 90 कांस्टेबल, 46 लेडी कांस्टेबल और 14 गृह रक्षकों सहित विभिन्न मंडल स्तरों पर खोजी टीमों का गठन किया गया था। टीमों ने 994 आश्रय घरों, प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड, धार्मिक स्थानों का दौरा किया और बच्चों सहित 615 व्यक्तियों की जाँच की। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 7 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। नेहर चौक मेडिकल कॉलेज में मनाली की 66 वर्षीय बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत हो गई है। महिला को कुल्लू से नेहर चौक रेफर किया गया था। समखेत कर बाजार में 80 वर्षीय बुजुर्ग की भी कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। बुजुर्ग का कोविड नियमों के अनुसार दाह संस्कार किया जाएगा। बुजुर्ग को नेहर चौक मेडिकल कॉलेज के सारी वार्ड में दाखिल किया गया था, इसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 68 करोड़ जारी। भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 68 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की है। इसे मंत्रालय के स्मार्ट सिटी डिवीजन की ओर से जारी किया गया है। इसे परियोजना फंड की पहली किस्त के रूप में दिया गया है। इसे जारी करने के साथ ही मंत्रालय ने कई तरह की शर्तें भी लगाई हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने राज्य के अंदर आने वाले पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कहा गया है कि प्रदेश आने वाले पर्यटक सामाजिक दूरी और मास्क को लेकर खास सतर्कता बरतें। सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क जरूर लगाएं व समय समय पर हाथ धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। पुलिस के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आदेशों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। दोस्तों, इसी के साथ आज की खबरें यहीं समाप्त। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।